आप सभी लोगों ने देखा होगा, प्रधानमंत्री साहब आजकल मन की बात कर रहे हैं। वहां आप किसी भी स्टेट में ले लीजिए, नीतीश साहब को ले लीजिए, बिहार में देख लीजिए कि मतलब बाढ़ का कितना मौसम है। देखिए आप लोग की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी गिरी हुई है, देखिए आप लोग शिक्षा की स्थिति कितनी खराब है, बिहार में गरीबी कितनी है, महिलाओं की स्थिति क्या है। फिर मध्य प्रदेश पर चलते हैं हम लोग, शिवराज सिंह चौहान उसी तरह एक बच्चे को हम लोग एक खिलौना नहीं दे देते या लेमन चूस दे देते हैं कि वो चूसता नहीं है, वो खत्म नहीं होता है, बच्चा चूसता रहता है। वही मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान साहब कर रहे हैं कि मतलब एक तरह से बोल दिया कि मैं सरकारी नौकरी में बाहरी बालों को नहीं ले आऊंगा, और हम बेवकूफ यानी कि हम जैसे हजारों बेवकूफ होंगे जो उन्हें वोट भी दे देंगे। क्या दे देंगे? वोट भी दे देंगे। एक बात बेवकूफ हो ध्यान रखो, या तो तुम अंधभक्त हो या सबसे बड़े दुनिया के बेवकूफ हो। आज से भी पहले कई स्टेटों ने इस तरह के कदम उठाए थे, हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। ठीक है, आप किसी ऐसा नहीं है कि चाइना में आप रह रहे हो कि जहां जबरदस्ती ठोक दिया जाए, यहां एक प्रक्रिया चलती है। वो तो शिवराज सिंह चौहान साहब को चुनाव निकालना है, इसलिए वो आपको इस तरह से एक हड्डी दे रहे हैं कुत्ते की तरह, और इस हड्डी में आप फंस भी जाओगे। अभी कल ही परसों मैंने देखा पूरे एमपी में, देखिए हजारों कोचिंग हैं, लाखों कोचिंग हैं, कोई आवाज नहीं उठा रहा है। नौकरी आ रही है नहीं आ रही है, रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। एक आदमी उठाता है आवाज, चौहान सर, उसका काम मुझे बढ़िया लगा। उस व्यक्ति का काम, वो जाना कुछ उसका मतलब वो भी नहीं है कि कमाने के लिए कुछ इस तरह के कर रहा, तो उसके बच्चों से कह दिया जाता है कि मैं तुम्हारे ऊपर केस ठोक दूंगा, ये ठोक दूंगा, वो ठोक दूंगा। तो याद रखिए 1947 से पहले भी यही चल रहा था तानाशाही। आपको समझ लेने चाहिए कि हमारे जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे उन पर तरह तरह के केस लगाए जाते थे। आज हम लोग उन्हें इतिहास में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उन्होंने इस तरह की बातों पर ध्यान नहीं दिया। समझ में आया आपको? उन्होंने कभी नहीं सोचा कि केस लग रहा है, जेल जाना है, जा सकते हैं, तभी आज इतिहास में याद रखा जाता है। अगर उस समय वो भी डर जाते तो आप जैसा हम जैसा हाल होता कि 150 साल जीने के बाद सब कुछ भूल जाते, कोई याद नहीं रखता। समझ में आया आपको? इन लोगों में मतलब आप सोचिए शर्म नाम की तो 1% भी चीज नहीं है लेता हूं मैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा है दिल्ली का चुनाव हुआ। दिल्ली में आप जानते हैं और नहीं जानते हो, और अगर आप में फिर भी अंधभक्ति है तो तुम जैसे बेवकूफों से कहना भी जगाना भी गलत बात है। बच्चे भीख मांग रहे हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें, बस तुम्हें नेतागिरी से भक्ति करने से मतलब है, जो गलत है उसका भी तुम्हें साथ देने से मतलब है। तो देखिए कितने साल जी जाओगे ऐसा करके, 25 से 30 साल, 50 साल, 200 साल, उसके बाद कुत्ता भी नहीं पूछेगा तुम्हें। समझ में आए? अभी चुनाव में आपने देखा है दिल्ली में कि बच्चे मतलब नीतीश साहब आके कह रहे हैं कि बिहार के स्कूलों का हालत देखिए। अरे दुनिया जग जाहिर है बिहार की स्थिति जान के, तुम दिल्ली से कंपेरिजन मतलब तुलना करने जा रहे हो, कम से कम थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए। लेकिन दिल्ली की जनता को हम लोग कहते हैं सही किया। आज आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी साहब के जो मन की बात आई हुई है उसमें उन्होंने कुत्तों की बात की। अरे महाराज अभी बेरोजगारों की बात तो कर लीजिए, रोजगारों की बात तो कर लीजिए। हम लोगों ने मतलब आप सोचिए काफी आप लोगों ने सपोर्ट किया हमें। आपने देखा है कि डिसलाइक से आपने आज भर दिया, उनने भी देखा होगा तो वो भी शर्म गए होंगे, अगर थोड़ी बहुत इंसानियत बची होगी तो। सही कहा है किसी ने अभी कि अब प्रधानमंत्री मन बात की बात छोड़िए, अब हमें काम की बात कर लेनी चाहिए। प्राइवेटेशन से आप देख रहे हैं कि जितनी नौकरियां थी उसमें भी कमी होती जा रही है, खत्म होती जा रही है लगभग। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि 2 लाख रोजगार देंगे, कोई कह रहा है 2 करोड़ रोजगार देंगे। एक तो सबसे पहले नेताओं को बेवकूफ नहीं कर सकते, हम ही बेवकूफ हैं कि हम वोट दे देते हैं अंधभक्ति करके, हमें अपने बच्चों से कुछ नहीं है। अभी बाहर के किसी भी आप बेवकूफ को चाइना से, अगर चाइना से तुम्हें
बराबरी करने ही, तो कभी चाइना के बारे में पढ़ लिया कर। हो सकता है कि तुम आवाज उठाओ सरकार के खिलाफ, तो तुम्हें देशद्रोही कह दिया जाए, या फिर तुम्हें कोई और चार्ज लगा दिया जाए। लेकिन कब तक बैठोगे? अभी आपने देखा है कि आपके एमपी में, देखा है आपने एमपी में शिवराज सिंह चौहान के लिए, मुख्यमंत्री साहब के लिए एक नया एरोप्लेन आया हुआ है, अमेरिका से मंगाया गया है। यहाँ खाने के लिए, नौकरी के लिए पैसा नहीं है, रिजल्ट देने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। मतलब क्या है? मैंने कुछ दिन पहले आपसे बोला था कि क्रांति होगी, लेकिन हो सकता है कि 100 साल 200 साल लगे, उसके बाद इन्हें धिक्कारा जाएगा। और इतिहास में देखिए, कोई इतिहास किसी को माफ नहीं करता है। एक बात और याद रख लीजिए, आज आपके पास है तो आप खेल कूद रहे हैं। आज भी आपने बताया कई बार कि आज भी सिंधिया को इतिहास में गद्दा लिखा गया है। यही शब्द हम जो बात कर रहे हैं ना, यही गद्दार शब्द यूज किया गया है कि सिंधिया गद्दार था, उसने रानी लक्ष्मीबाई को मरवा दिया था। तो आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि आपकी जिंदगी 100 साल की हो सकती है, लेकिन इतिहास जब तक धरती है तब तक रहेगा। और तब तक आपके अगर गलत करते के जाते हैं, तब तक लोग आपके नाम पर क्या बोले, शब्द इतना गलत शब्द भी यूज नहीं कर सकते, वो हाल है। अभी बिहार का चुनाव पूरा देखिए आप लोग, SSC का रिजल्ट फंसा हुआ है, NTPC इस तरह की रेलवे की एग्जाम भी नहीं, डेट भी नहीं आ रही है आपकी। उसके बाद आप देखेंगे बिहार का पूरा चुनाव, एक मामले पर CBI को जो सुशांत का मामला सौंपा गया है उस पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो मैंने ये नहीं बोल रहा हूं कि आप मत करवाइए CBI से जांच, आप खुद चले जाइए, चाहे प्रधानमंत्री खुद चले जाए वो कर ले जाए, लेकिन आपको इतना सोचना चाहिए, युवा मारे जा रहे हैं, कई सुसाइड कर रहे हैं, उनके बारे में आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, समझ रहे? तो ऐसा करना है, मुझे लगता है कि अब खुद आपको अपनी आवाज उठानी चाहिए। ऐसा कर सकते हैं आप लोग कि ट्विटर पर सबसे ज्यादा आप लोग जिस भी स्टेट के हैं, आप लोग अपने मुख्यमंत्री साहब को, अपने राज्यपाल साहब को, न्यूज पेपरों को, सबको टैग करिए, और एक तरह से कैंपेन आपको चलाना होगा, ठीक है? और एक बात और याद रखिए, डरोगे कुछ नहीं मिलेगा। और हम लोग बड़ो जल्दी डर जाते हैं, जो होगा होगा, चुप बैठ के क्या मिलेगा? SSC में आप देख रहे हैं कि सब जगह कम होती जा रही, किसी भी एग्जाम में देखिए आप लोग, और प्राइवेटेशन से आप देख लेना, एक और फर्क पड़ेगा कि बिल्कुल नौकरी खत्म भी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, समझ रहे? फिर आप सिविल सर्विस की ले लीजिए या किसी भी का भी ले लीजिए, 2014 में थी 1364 सिविल सर्विस में, और 2019 में बची है 896। इसी तरह आप देखेंगे कि SSC CGL में 2012 में थी 16119 और आज बची हुई है 8582। IBPS PO में देखिए आप लोग, 2013 में थी 21680 और आज केवल 1167 बची हुई है, 1167। आप समझ रहे हैं? मतलब किस क्षेत्र में अर्थव्यवस्था देगी आपकी, पूरी पूरी तरह से मतलब मोह की गिर चुकी है, मोह की भर। आपने कह दिया कि भगवान की मर्जी थी। आप सोचिए कि अर्थव्यवस्था हमारी पहले ही लॉकडाउन से पहले ही खत्म हो चुकी थी, गिर चुकी थी बहुत बुरी तरह से। हाँ, इतना कह सकते थे आपकी जितनी कमी रह गई थी उसमें, वो लॉकडाउन ने पूरी की है। उसके बाद आपने देखा है कि भूख से किस तरह लोग मरे, लॉकडाउन में तुमने व्यवस्था नहीं करवा पाई, लोगों को रोड पर बच्चों को जन्म देना पड़ा, महिलाओं को, इससे बुरी स्थिति हो सकती है। ये तो 1947 से भी बुरी स्थिति हुई, बस कोई सही कह रहा था कि अब की बार ऐसे अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चुनना जो जनता के पक्ष में हो, वो अपने बच्चों जैसा ख्याल रखते हो। अब प्रधानमंत्री का तो कोई है नहीं है, तो उन्हें तो दर्द भी इतनी हो सकता है, और बाकी लोगों का है तो विदेशों में बच्चे, मतलब VIP उन्हें सुविधा मिली हुई है।
लेकिन इतना याद रखिए, भगवान सच में होता है तो इन लोगों को कभी माफ नहीं करेगा, समझ रहे। अभी आपको क्या करना है कि अभी आज देख रहे हैं आप तो कि सभी जगह एक कैंपियन चल रहे हैं, तो आपको वाइकॉट लिख के चुनाव बोर्ड, अगर रोजगार नहीं तो वोट नहीं, एक तरह से आप अपने हिसाब से कैंपेन चला सकते हैं। और आप ट्विटर पर सबसे ज्यादा शेयर करिए, ठीक है, आप टैग हो सकता है टैग करिए, प्रधानमंत्री को टैग करिए, बताइए उनके नीचे जो अनलाइक डिसलाइक मिले हुए हैं उसे भी स्क्रीनशॉट लेकर कर दीजिए कि देख लीजिए, जाग जाइए। इससे पहले भी आपको मालूम होगा कि कांग्रेस के भी यही हाल थे, कांग्रेस को भी यही एक तरह का घमंड था कि मेरे सिवा कुछ नहीं है, कोई नहीं है, देखा जनता ने किस तरह उठा के नीचे गिरा दिया। और आप देखिए एक समय आएगा कि इनका भी इस तरह का जो घमंड है उसे भी एक तरह से तोड़ के रख देगी जनता। देखिए जागती है जनता, अंग्रेजों को उसके समय देख लीजिए, उन्हें भी यही घमंड था कि कोई नहीं है हमारा विरोध करने वाला। अभी आपने देखा है कि जो पेपर होने चाहिए उनके पेपर नहीं कराए जा रहे, और जो रिजल्ट हुए डले हुए हैं उन रिजल्टों को नहीं दिया जा रहा है। समझ रहे हैं आप, नेट का देख लीजिए, जेईई का देख लीजिए, इनका तो रिजल्ट मतलब आप सोचिए करवाने की सोच रहे हैं। और जो है वो तो दे दीजिए कम से कम, उनमें आप कह रहे हैं लॉकडाउन चल रहा है, आपकी सरकारें बनाने गिराने के लिए आपके पास लॉकडाउन नहीं है, और बाकी के लिए आपके छात्रों के लिए स्कूल खोलने के लिए और सुविधाओं के लिए आपके पास लॉकडाउन की व्यवस्था है। शर्म कीजिए, थोड़ी बहुत शर्म तो करनी चाहिए। और हम में से अधिकतर लोग क्या करें, भक्ति करें, भाई हम लोग युवा है, हम लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा चाहिए, शिक्षा की चाहिए और रोजगार चाहिए। आप सोचिए इसमें से कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी अंधभक्ति नहीं चाहिए ना कांग्रेस से चाहिए कुछ, जो कोई भी सरकार हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं बीजेपी हो या कोई भी हो, हमें बस कोई भी सरकार ऐसी आए कि हमें कुछ सुविधाएं दे। और बेवकूफों को छोड़िए, वो तो वही है उनका हाल की कुत्ते की पूंछ पुंगैया में डाली और जब निकाली तो सीधी की सीधी निकली, टेढ़ी की टेढ़ी निकली, सीधी नहीं निकल पाई। तो कुछ लोगों का यही हाल है कि उन बच्चे क्या कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, उनका परिवार मर रहा है, इलाज नहीं हो पा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है उन्हें, बस नेताओं की गुलामी करने से मतलब है और बस, कुछ नहीं और फर्क पड़ता। तो आज आपने देखा होगा कि सितंबर में सब लोगों ने यही कहा था, तो मुझे लगा कि आप लोगों से भी थोड़ा बोल दे कि आप लोग भी इस तरह का कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए आगे तो आना होगा, वरना ये मतलब इसी तरह आपका तमाशा बनाते रहेंगे। और आप सोचिए कि कोई कोचिंग वाले इसलिए नहीं बोलते, अधिकतर डरते हैं, वरना एमपी में आप सोच लीजिए, बिहार में सोच लीजिए, इतना सारा है, सब कुछ हो सकता था। और युवा शक्ति आप जानते हैं, समझ रहे हैं, अभी आप जानते हैं कि आपके देश में सबसे ज्यादा युवा है की जनसंख्या है। हाँ ये अलग बात है कि युवा अधिकतर युवा गुलामी में लगे हुए, तो आपको रोजगार चाहिए, आपको वोट से किसी से मतलब नहीं है, आप उसे वोट दीजिए जो आपको रोजगार दे सके, ठीक है। और इस तरह के जब भी कोई भाषण देता है कि रोजगार आपके लिए पूरा आपके लिए रिजर्व कर दिया गया, एमपी हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, कोई भी हो, तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी इकट्ठा जरूर कर लीजिए, क्या करिएगा आप, क्या करते हैं कि आप खुश हो जाते हैं। तो ये कम से कम सोच विचार के मुझे लगता है बोलना चाहिए आपको। और याद रखिए आपने देखा होगा कुछ समय पहले विनोद एक वायरल हुआ था, आपने देखा होगा शब्द, तो आपको इसी तरह से जिस भी एग्जाम के हैं आप तो से लिखकर आप लोग ट्विटर पर सबसे ज्यादा शेयर करिए, हैशटैग देकर, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखिए, रोजगार नहीं तो वोट नहीं, हम नोटा बैठो के लिए, अगर वोट देने जाएंगे भी तो नोटा पे लगाएंगे, क्योंकि जब हमें रोजगार ही नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे। तो आप अपने
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों से भी यही कहिए, और सबसे ज्यादा याद रखिए ट्विटर पर कहिए, क्योंकि ट्विटर पर आप देखते हैं कि सभी पॉलिटिशियंस पॉलिटिशियन या पॉलिटिशियन नेतागण सबसे वही ज्यादा दिखते हैं, तो कम से कम मालूम तो होना चाहिए। एमपी का देखना, चुनाव खत्म हो जाएगा उसके बाद कुछ आते नहीं आएगा। इससे पहले आपने देखा है कि जेल बहरी का निकाल दिया गया था, उसमें हजारों गलतियां हैं उस फॉर्म में, उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि लगे हुए हैं, तो थोड़ा बहुत तो आपको समझना चाहिए। ठीक है,